आप देख लीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इकराम मोहम्मद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किया था, शुरू किया था हमने। कौन सा? मॉडल्स। मॉडल्स के डेफिनेशन वगैरह स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को समझाई थी, क्लियर की थी। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, मॉडल का क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था स्टूडेंट्स। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे देता हूँ इसमें। स्टूडेंट्स, मॉडल का मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैन, कुड, ये मॉडल्स स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि ये मॉडल्स जो हैं हम लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसमें स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये मॉडल्स जो है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छे से हमने इसको क्लियर किया था विद ट्रिक, विद फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, आगे के जो मॉडल है अब उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कैन मॉडल जो स्टूडेंट्स हमने किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला है ACP, एबिलिटी कैपेसिटी पावर, बताया था स्टूडेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दे रहा हो, एबिलिटी कैपेसिटी पावर का नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तो कैन के साथ में आपको नॉट जोड़ देना है, तब वो हो जाएगा कैन नॉट। और आप इसको कांट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट और कांट। स्टूडेंट्स, अगर यही बात पास्ट में आ जाए, पास्ट में लागू हो, तो कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट कुड। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वो का वही है, एबिलिटी कैपेसिटी पावर। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, पास्ट की बात बताएगा, फ्यूचर की बात बता सकता है। आई कुड स्पीक आई कुड स्विम व्हेन, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस स्टूडेंट्स, आई कुड स्विम When I was young, he could speak
ही कुड स्पीक टू लैंग्वेजेज, ही कुड स्पीक टू लैंग्वेजेज, द ओल्ड मैन कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज इन यूथ, व्हेन ही वॉज इन यंग एज, एक्स वाई जेड इस तरह से आप इसका दे सकते हैं। तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स जो हो गई है, ये बात सारी, ये एग्जांपल सारे जो है पास्ट को शो करते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, जब मैं यंग था। आई कुड स्विम, तो मैं तैर सकता था। ही कुड स्पीक टू लैंग्वेजेज, वह दो भाषाएं बोल सकता था, अब नहीं बोल सकता है। द ओल्ड मैन कुड रन फास्ट, वृद्ध व्यक्ति तेज दौड़ सकता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था, जब वह युवा था। स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं कैन और कुड में किस टाइप से, देखिए कुड और कैन अच्छे से इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट डू इट, इसमें हम यस्टरडे ऐड कर दें। अगर यस्टरडे ही कुड नॉट डू इट, टुडे ही कैन डू इट। पढ़िए स्टूडेंट्स दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए। यस्टरडे ही कुड नॉट डू इट, कल वह इस काम को नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट डू इट। टूडे आज, ही कैन डू इट, वह इस काम को कर सकता है, वह यह कर सकता है। इसमें काम का मना किया जा रहा है, नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था, सकता था, सकती थी तो कुड, और कर सकता है तो उसके लिए कैन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ही कुड सिंग बहुत हिंदी ही कुड सिंग इन बहुत फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड वॉइस, ही कुड सिंग इन बहुत फीमेल एंड मेल वॉइस, वह फीमेल और मेल वॉइस दोनों में गा सकता था, अब नहीं गा सकता है। ही कैन सिंग इन, इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर कुड और यहाँ पर कैन, ये बात हो रही है पास्ट की, ये बात हो रही है प्रेजेंट की। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को कुड और कैन का यूज करना है। फिर स्टूडेंट्स कुड के बाद में अगर हम बात करें अगले मॉडल की, मे,
इट मीन्स सकना. कैन का मतलब भी वही होता है स्टूडेंट, सकना. और मे के लिए स्टूडेंट्स जिस तरह से मैंने कैन का एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, एक ट्रिक बताई थी एसीपी, उसी तरह इसकी ट्रिक, इसका फार्मूला जो है WP4. ट्रिक कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. WP4 का अगर हम डिटेल देखें स्टूडेंट्स, WP विश परमिशन पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी परहैप्स, ये स्टूडेंट्स चार वर्ड पी के और एक WP4, विश परमिशन पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी एंड परहैप्स, इसके अकॉर्डिंग इसका यूज करना है स्टूडेंट्स. यानी में ये सारी बातें लागू होती है. कहीं पर भी संभावना दर्शाई जाती हो, संभावना अगर हमें व्यक्त करनी हो तो उसके लिए आपको में मॉडल यूज करना है. कहीं पर आपको परमिशन लेनी है उसके लिए आप में यूज करेंगे. विश का अगर कोई सेंटेंस है, शुभ इच्छा है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं, तो उसमें भी आपको में मॉडल यूज करना है. एग्जाम्पल्स देखिए स्टूडेंट्स इसके. मे गॉड ब्लेस यू, एक सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, मे गॉड ब्लेस यू. इसी तरह स्टूडेंट्स मे यू लिव लॉन्ग, अच्छा परमिशन के लिए स्टूडेंट्स जब कभी आपको क्लास में एंटर होना है तो आप क्या सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे कम इन सर, ये सेंटेंस परमिशन का है, परमिशन लेने के लिए है. और इसी कारण आप जो है इस सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं. और इसमें जो मॉडल यूज हो रहा है वो है मे, क्योंकि ये परमिशन मांग रहा है, मे आई कम इन सर. तो ऐसे सेंटेंस में आपको मे का यूज करना है, जिसमें आप विश, अगर कहीं पर भी आपको विश का सेंस दिखाई दे रहा हो, परमिशन का सेंस दिखाई दे रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको एप्रोप्रिएट मॉडल उसमें फील करना है. इन सेंटेंसेज में मैंने मे फील किया स्टूडेंट्स. तो इस तरह से आपको मॉडल की प्रैक्टिस करते जाना है स्टूडेंट्स. मॉडल के लिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है. जितनी ज़्यादा इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका जो है समझने का तरीका आपका क्लियर होगा और आप इसमें इस टॉपिक में बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे. कुछ सेंटेंसेज हम देखते हैं एक्सरसाइज के रूप में. क्वेश्चन, किस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन इन द स्टूडेंट्स. इस तरह का इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट्स में आपको मॉडल भी दिए हुए हैं, कैन
कोड में स्टूडेंट्स ये बात भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने जब कैन मॉडल करवाया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, मॉडल के वीडियो में, तो मैंने कैन का अर्थ लिखा था सकना, और मे का अर्थ भी अभी मैंने लिखा है सकना, सकता है, सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है कि दोनों में से किसका यूज करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी बड़ों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में रिक्वेस्ट का भाव है, बड़ों से अगर रिक्वेस्ट की जाती है स्टूडेंट्स तो आपको मे वर्ड यूज करना है, और छोटों से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, छोटों से अगर आप बात कह रहे हैं कोई, तो आपको कैन का यूज कर लेना है इन सिंपल वर्ड्स। फॉर्मल इनफॉर्मल जो है वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट सेंटेंस, सुरेश कैन, सुरेश खाली जगह, सॉल्व दिस पजल। सेकंड नंबर, हिमेश I use your pen, dear Raju. खाली जगह, lift this heavy box yesterday. You borrow my book for a day.
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इतने सारे सेंटेंस हैं जिनकी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अप्रोप्रिएट मॉडल मैंने दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, खाली जगह फिल करनी है इन्हीं में से, इन तीन में से ही खाली जगह फिल करनी है, किसी इनमें से किसी में कैन, किसी में कुड और किसी में मे, यही लिखना है स्टूडेंट्स। अप्रोप्रिएट का मतलब यही है निर्धारित, इन्हीं में से खाली जगह फिल करते हुए स्टूडेंट्स आपको ये सारे सेंटेंस अटेंड करने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज के इस वीडियो में, मॉडल के इस वीडियो में हमने जो भी हमने मॉडल्स किए हैं कैन, कुड, मे और जो भी हम आगे करेंगे, तो उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे शेयर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।